ये एजेंसी वाले हैं, इन्होंने मुझे धमकियां दी। ये दोनों एजेंसी के एहलकार है और ये मुझे लगातार हरासा कर रहे, धमकियां दे रहे। मैं इस रियासत को बताना चाहती हूँ, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरते, जो करना है करो। इस रियासत ने हमारे बलूचों को पहले भी मारा है, इस रियासत की बाप से भी नहीं डरते, जो करना है करो। बलूचिस्तान को तबाह कर दिया, तुम लोगों की बाप से भी नहीं डरते, जो करना है रियासत को इनके अहलकारों को कर लो। अपनी एजेंसियों के जरिए, अपने इन अहलकारों के जरिए बलोच हम कभी भी नहीं डरे। आप मार सकते हो और लापता कर सकते, तुम लोगों की बाप से भी हम नहीं डरेंगे। ये रियासत भाई, ये रियासत की एजेंसी वाले मुझे लगातार धमकियां दे रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर शामियाना लगाया, इसको भी निकाल दिया और ये बार बार धमकी दे रहे हैं। मुझे कहते हैं हम वो वाले हैं, अभी ये बता रहे कि हम एजेंसी के अहलकार है और हम लोग यहाँ आप लोगों को नहीं जोड़ेंगे। आल को भी इन्होंने कैंसिल करवा दिया। ये रियासत के लोग मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। तीन चार जगह हम लोग गए, सारे आल उन्होंने कैंसिल करवा दिया। शामियाने पांच छह वाले के पास इनको धमकी दिया। यहाँ पर हम आल लगवा रहे हैं, हमारे लोग मौजूद है यहाँ पर, कहते हैं मैं हम उनके लोग हैं। एजेंसी वाले अपने मोटरसाइकिल में आ रहे हैं, अपने गाड़ियों में आ रहे हैं। मुझे कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदार इसका पूरा रियासत और रियासत की सारी एजेंसी जितने भी है, ये सारे ये बार बार मुझे धमकियां दे रहे। ये है एजेंसी वाले, ये मुझे बार बार कहते हैं हम वो है और ये मुझे धमकियां भी दे रहे हैं। ये मुझे धमकी भी दे रहे हैं। हम देखेंगे हम आपके साथ क्या करते हैं। ये रियासत के एहलकार मुझे बार बार धमकियां दे रहे हैं। कुछ भी हो गया रियासत इसका जिम्मेदार है। रियासत के एहलकार मोटरसाइकिलों में गाड़ियों में आ रहे। इस रियासत को बताना चाहते हैं हम लोग नहीं डरते, जो करना है करो, पहले भी करते रहे हो अभी भी। और अभी यहाँ हम लोगों ने शामियाना लगवाया, चीजें बुलाया, इन सब को भी कैंसिल कर रहे, आल को भी कैंसिल किया। ये रियासत की एजेंसी वाले हैं, मुझे बता रहे कि अपने कार्ड दिखा रहे कि हम एजेंसी वाले हैं और हम लोग अभी देखना क्या करेंगे। इन सब को डराया, पहले भी डराया था वहां से, अभी हम लोगों ने सामान लाया यहाँ इनको। ये है बार बार कॉल कर रहे, कुछ भी हो गया रियासत इसका जिम्मेदार है, पाकिस्तान और इसकी एजेंसियां। ये हमें खुलेआम साफ अल्फाज में धमकियां दे रहे और बार बार कॉल भी कर रहे हैं। कुछ भी हो जाता है रियासत इसके एहलकार जिम्मेदार है। एजेंसी वाले अपने कार्ड दिखाकर मुझे धमकियां दे रहे और मुझे फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी हो जाता है ये रियासत, पहले भी हमारा दुश्मन था। हम साफ अल्फाज में मैं सबके सामने बोलती हूँ, मुझे किसी भी चीज का, मुझे मेरे खानदान को कुछ भी हो जाता है, इसके जिम्मेदार ये रियासत और इसकी एजेंसी वाले अहलकार है। ये है आप देखिए, ये रियासत की एजेंसी वाले धमकियां दिखा दे रहे और कार्ड दिखा रहे हैं साफ अल्फाज में। ये इस तरह की हरकतें कह रहे हैं और मोटरसाइकिलों में गाड़ियों में छह सात शानियां वालों को मना किया, ये सब कुछ बंद करवा कर ले जा रहे और बार बार कॉल करवा कर बोलते हम वो वाले हैं, तुम लोग जो कर सकते हो करो, हम लोग नहीं डरते, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरते, एजेंसी नहीं हो, जितने तुम्हारे 26 अदारे भी आ जाए हम नहीं डरते, हम अपने आप के लिए बोलते हैं। ये है इस रियासत के आईन और कानून। ये लोग सिर्फ लापता करना चाहते हैं, मशकशुदा लाशें फेंकना जानते हैं और धमकियां देना जानते हैं। ये रियासत और इसका आईन और कानून। ये मोहतरम इसका दूसरा मोटरसाइकिल में साथी और गाड़ियों में, ये मुझे धमकी भी दे रहा था, मुझे कुछ भी हो जाता है इसके रियासत और एजेंसी वाले। एजेंसी अभी ये अभी बार बार कॉल कर रहे हैं, कार्ड दिखा रहा है, धमकियां दे रहा है।